भाई ने बहन और उसके प्रेमी को चाकू से गोद कर मार डाला, नाले में लाश को फेंक कर पहुंच गया थाने। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक भाई ने अपनी सगी बहन और उसके प्रेमी को चाकू से गोद कर मार डाला। हत्या करने के बाद युवक खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंच गया और पूरी घटना पुलिस को बताई। युवक ने बताया कि उसने हत्या करने के बाद दोनों की लाश को नाले में फेंक दिया। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसकी सूचना तुरंत आला अधिकारियों को दी गई। बताते चले कि पूरा मामला कासगंज थाना के राजेश राय मेला गांव का है, जहां पर शिवानी जाटों की काफी समय से गांव के ही रामकलर के साथ दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शिवानी के परिजन इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि घर वालों के मना करने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। शनिवार रात शिवानी अपने घर से गायब हो गई। इस पर भाई नीतू ने अपनी परिजनों के साथ मिलकर शिवानी की तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद आधी रात में नीतू ने बहन और उसके प्रेमी को ढूंढ निकाला। नीतू ने दोनों को बहला फुसला कर खाता नाले के पास ले गया और चाकू से गोद कर दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों की लाश को सूखे नाले में फेंक कर भाग गया। रविवार की सुबह नीतू खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंच गया और पूरी बात बताई। ये देखकर पुलिस भी सकेत में आ गई और पुलिस ने इसकी सूचना आला अधिकारियों की दी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस जांच कर रही है कि इस हत्या में भाई के अलावा और कोई शख्स तो शामिल नहीं था। अच्छा, जो डेड बॉडी मिली है उसमें कौन क्या है आपका? लड़का है। आपका लड़का है? क्या नाम है? और दूसरी डेड बॉडी किसकी? उनकी लड़की नाम क्या? मामला हुआ है? कुछ मामला क्या है? मामला साहब, हमको 3 रात में पता लगा। क्या घर से बुला ला? कौन? फिर आपने रोका नहीं? रोका भी, सिखाया भी। इनके पीछे नहीं गए? पीछे भी गए, बोलने आगे तक। फिर नहीं मिले ये में लोग? मोटरसाइकिल फिर उसके बाद तुमने नहीं खोजा? मोबाइल छीन लिया लड़के का। फिर कोई जानकारी नहीं लगी? कोई जानकारी नहीं लगी, पता लगा दो कोई जानकारी। लड़के को कौन ले गया? भैया लाल जिसकी लड़की है। मोटरसाइकिल बुला ले दोनों बैठे। फिर क्या सुबह मिल गए? मिले हैं लड़के? हमें नहीं मिले था। क्या जानकारी? क्या मिली? हमें जानकारी था, कुछ नहीं मिली। उनके लड़के ने बताया है। सर, जो दो डेड बॉडी मिली है सर, क्या है मामला? ये आज सुबह थाना कमालगंज के अंतर्गत नीतू पुत्र भैयालाल निवासी राजेपुर सराय मेदा, ये थाने पर स्वयं आकर इसने जानकारी दी कि उसने उसकी बहन और उसका जो प्रेमी रामकरण जाटव है उसकी गला काटकर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को फेंकाया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित किया गया। वहां से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उनको मोर्चरी भी भिजवाया गया है। इसके अलावा अब तक के जो इंट्रोगेशन में चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि दोनों पक्ष एक ही गाँव जो कि राजेपुर सराय मैदा है के रहने वाले हैं, एक दूसरे को पहले जानते हैं, जाति से जाटव हैं। और कल दिनांक 5 तारीख की रात को करीब 3 बजे लड़की के घर वालों के द्वारा लड़की और लड़के को पास ही के स्कूल के पास में एक बाग में दोनों को पकड़ा गया। उसके बाद उनके द्वारा इनके दोनों के साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में घायल अवस्था में ही इनको ये यहाँ से थंता नगला ले जाकर वहाँ पर नाले के अंदर डाल दिया और वहाँ पर एक धारदार हथियार से इनके गले काटकर इनकी वहाँ पर हत्या कर दी। उसके बाद जो ये नीतू पुत्र भैयालाल है वो थाने पर आया और उसने ये सारी जानकारी दी। इसमें जो लड़का पक्ष है उसके फादर की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, नामजद तहरीर प्राप्त हुई, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें नीतू डिटेन किया जा चुका है और आगे का इंट्रोगेशन जारी है। इसमें क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है और कुल टोटल 4 टीमें हैं। जो बाकी अन्य जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं जो कि इंट्रोगेशन में और
आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर, इस घटनाक्रम में कितने लोग शामिल थे जो हत्या हुई है? जो तहरीरवादी की तरफ से दी गई है उसके अंदर अभी उसने चार लोगों को नामजद किया है और बाकी जो नीतू है इससे इंट्रोगेशन जारी है, उसके द्वारा जो बताया गया है और जो चीजें बताई जाएगी उसके आधार पर जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सभी को जल्द से अरेस्ट किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।